भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, शुभी शर्मा, आम्रपाली दुबे की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 रिलीज हो चुकी है। आइए देखते हैं कि फिल्म का रिस्पॉन्स क्या है, फिल्म को कितने स्टार मिलने चाहिए और फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिल्म के हीरो निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ से। तो फिल्म में निरहुआ गांव से मुंबई आकर अपने लिए एक रोजी रोटी की तलाश में घूमते हैं। वहां उनकी मुलाकात सोना यानी कि फिल्म की हीरोइन शुभी शर्मा से होती है, जिसे उन्हें प्यार हो जाता है और सोना का सपना है कि एक दिन वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बने, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करती है और सिर्फ यही सपने देखती है कि कब वो एक बड़ी सुपरस्टार बनेगी। और अब बात करते हैं चंपा की। जी हाँ, ये कैरेक्टर और कोई नहीं आम्रपाली दुबे निभा रही हैं और आम्रपाली का चंपा वाला कैरेक्टर आपका दिल छू लेगा। आम्रपाली दुबे ने इस कैरेक्टर के लिए इतनी मेहनत की है कि उनकी एसेंट आपको देख के ये नहीं लगेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कभी उन्होंने काम किया है, ये लगेगा कि वो महाराष्ट्रियन यानी कि मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस है, क्योंकि उनका मराठी एक्सेंट बड़ा ही प्यारा लगता है फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात आगे करते हुए हम आपको ये कह सकते हैं कि फिल्म की कहानी पुरानी शराब और नई बोतल की कहावत वाली है कि फिल्म में कुछ ज्यादा नयापन तो नहीं है, लेकिन इसको पेश करने का जो तरीका है, मानना पड़ेगा कि डायरेक्टर ने इसमें कोई कोट कसर नहीं छोड़ी है। मंजू ठाकुर ने यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने अपनी इस फिल्म को लेकर पूरी तरह से न्याय किया है। पहले दो सीरीज इस फिल्म की जितनी बेहतरीन बनी है उतनी ही बेहतरीन तीसरी सीरीज भी है। फिल्म का हर एक कैरेक्टर अपने आप में पूर्ण है, आप फिल्म देखने के बाद निराश नहीं होंगे, चाहे वो संजय पांडे हो फिल्म में, चाहे वो आम्रपाली दुबे हो या चाहे फिल्म के हीरो निरहुआ हो, हर एक कैरेक्टर अपने आप में बेजोड़ है। यहाँ एक बात और कहनी पड़ेगी कि फिल्म में कॉमिक टाइमिंग हर एक एक्टर की जबरदस्त है। फिल्म को देखने के बाद फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जहां आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। फिल्म के लोकेशन भी काफी बेहतरीन हैं और अगर आप आम्रपाली और निरहुआ के फैन हैं तो फिल्म तो जरूर देखिए, लेकिन अगर आप भोजपुरी सिनेमा के फैंस हैं तो प्लीज ये फिल्म मिस मत कीजिए, क्योंकि ये फिल्म बहुत बेहतरीन बनी है। आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, अश्लीलता जैसा कोई भी दृश्य आपको फिल्म में नहीं देखने को मिलेगा। गानों की बात करें तो कई गाने ऐसे हैं फिल्म में जो कि चार्ट बस्टर पर रूल भी कर रहे हैं। निरहुआ हिंदुस्तानी 3 रिलीज हो चुकी है और दर्शकों का इसे बेजोड़ प्यार भी मिल रहा है, काफी उम्दा रिस्पॉन्स है फिल्म को लेकर। हम फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हैं। सो जाइए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में इस फिल्म को देख कर हंसिए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर सिनेमा घरों के बाहर आइए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।